हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ जो मैटर है ये प्योर है या इम्प्योर है, लिखा हुआ वैसे ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए शुद्ध घी है या मिल्क है, तो ये जो है मिक्सचर होते हैं, क्या होते हैं मिक्सचर है। प्योर समझते हैं, प्योर समझते होता है इसमें ये भी प्रकार के सिंगल टाइप कभी कंपोनेंट हो, जैसे कि कंपाउंड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड मैटर वगैरह, क्या है प्योर सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यू, बिग ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। इसमें देखिए कंपाउंड कौन सा, कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के होता है, उसे जो है कंपाउंड कहते हैं। तो एयर, वाटर, सोडा वाटर एंड पॉन्ड वाटर। तो देखिए एयर, एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यह जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कई मिक्सचर है। वाटर, वाटर जो है लिक्विड, सोडा वाटर नहीं होते हैं, पॉन्ड वाटर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वाटर क्या कहेंगे, ये जो है वाटर जो है ये एक है कंपाउंड है, ये आंसर वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। अब देखिए इसमें एलिमेंट कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो है टू एलिमेंट्स है, यहाँ भी टू एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है, तो ये क्या हुआ, ये कंपाउंड हुआ, कंपाउंड। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है एलिमेंट, तो ये आंसर ए ऑक्सीजन, आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल की रस्टिंग, जंग लगना, क्या है रस्टिंग ऑफ एन आयरन आर्टिकल, कोरोजन एंड फिजिकल चेंज। कोरोजन होता है लेकिन फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज, डिसोल्यूशन एंड फिजिकल चेंज एंड कोरोजन ऑफ केमिकल चेंज, नन ऑफ दी। तो ये आंसर सी, कोरोजन एंड केमिकल चेंज भी है, न्यू सब्सटेंस बनता है और कोरोजन भी है। तो ये आंसर कोरोजन एंड केमिकल, यहाँ पर ऑक्सीजन आंसर हुआ, क्या ये वाटर आंसर हुआ। इस प्रकार से हम देखेंगे कंपाउंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आयोडीन जो है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें जो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है इसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग, किस किस को मिलकर बनता है, फर्स्ट इसका है आयोडीन इज पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इज वैसलीन, आयोडीन इन वाटर, आयोडीन इन वाटर एंड आयोडीन इन एक्वा। तो यहाँ पर आंसर जो है आयोडीन इन एक्वा, तो ये आंसर आयोडीन इन एक्वा बहुत है। ये आयोडीन इन एक्वा ये जो है इस आंसर, ठीक। अब देखिए आयोडीन इन एक्वा, एक्वा जो है एक्वा में आयोडीन बहुत दिया, आयोडीन सॉल्यूट है और कौन सा एंड फोर, तो ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर है,
से लर्न करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हियर सम फैक्ट्स, मेन फैक्ट्स जो है इसके आधार पर मुझे एमसीक्यू बनाएंगे, इसके आधार पर जो एमसीक्यू बनाएंगे। मेन फैक्ट्स क्या क्या है, तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, यहाँ पर सेपरेशन मैटर है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिए हुए हैं और उनकी प्रोसेस कौन सी है किसके द्वारा वो सेपरेट किए हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क, बटर फ्रॉम मिल्क, ये किस द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन ये है इसको जो है काफी तेजी से राउंडिंग किया जाता है, घुमाया जाता है, तो उससे जो है वो थ्री पार्टिकल जो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सारा सेंट्रीफ्यूगेशन इनर कंपोनेंट फ्रॉम ब्रेड, ब्रेड से बहुत से कंपोनेंट्स वगैरह जो है अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, ब्लड टेस्टिंग होती है, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन, वहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब में ब्लड को फिल अप कर दिया जाता है और तेजी से उसको घुमाया जाता है। मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड वाटर, देखिए मिक्सचर ऑफ केरोसिन और वाटर, केरोसिन और वाटर की जो है ये मिक्सअप नहीं होते, तो इंडिविजुअल लिक्विड्स हैं, तो इनको जो हम सेपरेट करते हैं वो सेपरेटली भंग, इसके द्वारा सेपरेटली भंग द्वारा जो है इनको सेपरेट किया जाता है। सेपरेटली भंग होती है उसमें जो है इनको भर किया जाता है लिक्विड को, तो अब साइड में जो है केरोसिन रहेगा, ऑयल 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 आएगा, लिक्विड हल्का होगा, केरोसिन जो हल्का होता है और ये जो है बाटर निकलेगा। तो जैसे ही उसको सेपरेट करते हैं तो बाटर को अलग अलग जो है किसी बीकर में रख देते हैं और यही सेपरेटिंग पॉइंट पर केरोसिन आता है तो उसको जो प्रोड्यूस बंद कर दिया जाता है, तो ये सेपरेटिंग पॉइंट टू इंडस्ट्रियल यूनिट। फोर्थ है साल टाइम के टेंपर, साल टाइम टेंपर, ये टेंपर तो सब्जी में सब्जी में किस होता है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाते हैं, ये विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस इन गैस। तो साल टाइम टेंपर ये सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट, इसलिए साल टाइम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इन ये के सब्लिमेट है सबस्टेंस है, इसको भी हम सब्लिमेशन द्वारा करते हैं। इसी बार नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन लव्स जो कि कपड़ों में रखी जाती है क्लोथ्स में, उसको हम देखा तो कौन क्यों रख दिया, तो उसमें जो जो मॉक्स होते हैं इनसाइड प्रोटीन को भगाने के लिए, तो डायरेक्टली डायरेक्टली वो गैसेस में कन्वर्ट होती रहती है, कपूर जो होता है ये भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये सब्लिमेट सबस्टेंस है, ये सब्लिमेट के द्वारा जो सेपरेट किया जाता है। टू मिसिबल लिक्विड, दो लिक्विड जो मिल जाते हैं ये एक बार डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन पर ध्यान देते हुए डिस्टिलेशन होते हैं इनके जो एवेपोरेशन या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या जो जैसे कि जैसे कि डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर से नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये अलग करना क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसी प्रकार से प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इसके द्वारा क्रिस्टलाइजेशन, इसके द्वारा क्रिस्टलाइजेशन द्वारा ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, उसके द्वारा इसे सेपरेट कर देते हैं, तो फिर इस पर जो है क्रॉस और क्रिस्टल जो है आगे डिपोजिट होते रहते हैं और ये इस तरह से सेपरेट होता है। तो इन पर जो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू मेन पॉइंट जो है वो लर्न रखेंगे और ये बनाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स से, कंपाउंड से, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये सभी जो है बनाएंगे अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ठीक, ओके okay.